खाने में अफवाह फैला रहे थे इसलिए आए, बोले सुबह बच्चे पकड़ ले गए, महात्मा थे, बोले काली गाड़ी थी। मैं गांव के कुछ लोग है, हाँ लिखित में तहरीर दिया, नाम है गाँव वाले का। कार्रवाई चाहते हैं गुरु जी के पास, गुरु जी आते जाओ। थाने में आए, क्या मामला है बताएं? मामला यह है, मैं 10 बजे सतुईया खुर्द से नवाबगंज के लिए रवाना हुआ। ईद जागीर में आके एक बुजुर्ग मुल्ला जी है, उनने मुझे रोका, मैं रुका। मुल्ला जी ने पूछा, बाबा जी आपकी सरकार में सब ये हो रहा है? मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह बोल गाड़ियों में बच्चा पकड़ के ले जा रहे हैं महात्मा के भेष में। मैंने भाई महात्मा बच्चा नहीं पकड़ते हैं, ये गलत अफवाह है, अगर ऐसा कहीं माहौल दिखता है तो उसको तुरंत रोक के उससे बात करो, पूछताछ करो, कहाँ से आए, कैसे जा रहे हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें। यहीं ईद जागीर में ये धर्म गुरुओं पर उंगली उठाने वालों ने गलत अफवाह उड़ाई के काली गाड़ियों में बाबा जी बच्चा ले गए, और गलत अफवाह साबित भी हुई है यहाँ थाने में। इंस्पेक्टर साहब गौरव सिंह इस बात को कह रहे हैं कि ये चीज़ झूठी अफवाह साबित हुई है, और आगे भविष्य में ऐसी घटना झूठी अफवाह ना उड़े, इसीलिए इस थाने में हम तहरीर देने आए हैं। गोपाल भाई मैं जानना चाह रहा हूँ, आज विवाद ये चल रहा है थाने में, आपके साथ में काफी लोग आए, क्या मामला है? ये किसी आपसी वहीं पर कोई बता रहा है, लकड़ी काट गया था उससे, महाराज जी ने उसे डांट दिया था, और इसके लिए बेवजह का जो है तूल बना दिया। ऐसे तूलों से हमारे क्षेत्र की और नगर की छवि बहुत खराब होगी, तो मेरा तो यही कहना है इस तूल को जो भी जिसने भी अफवाह उड़ाई है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और ऐसी अफवाहों से बचा जाए। कौन लोग हैं जो ये अफवाह उड़ाने वाले? मैं वहीं के कोई अलीबख्श बता रहे हैं, उनने सुबह कोई पेड़ काटा था मंदिर का, तो महाराज जी ने उसके लिए डांटा था, और उस पेड़ को काटने के लिए उनने बच्चाओं की अब्बा उड़ा दी, बाबा लोग बच्चा ले गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी बहुत सज्जन महात्मा है, झूला अखाड़े से संबंध रखते हैं, और इस तरीके से जो है बहुत गलत हो रहा है। ये तहरीर वगैरह दी गई है? हाँ तहरीर अब लिख के दी जा रही है, और जिनने भी अब्बा उड़ाई है उन पर कार्रवाई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है यहाँ के प्रशासन से। ऐसा है जो हमारे गुरु जी के आश्रम पर जो गलत अफवाह फैला के हमारे गुरुजी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं ऐसे जो ये बदनाम कर रहे हैं? दूसरे समुदाय के लोग हैं जो मंदिर के पास ही हैं, जो गुरुजी से हमारे धर्मनिष्ठा मानते हैं। तहरीर में आपने नाम क्या है? नाम दिया। क्या नाम है इसका? तहरीर में नाम दिया है, जो भी आरोपी है जो अफवाह उड़ा रहे हैं बेचे हैं, मेहदी हसन, अली हसन मेहदी। आप बेचे